गोरखपुर समाजवादी पार्टी के नवागत जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम का चौरी चौरा में प्रथम बार आगमन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नवागत जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम के विधानसभा में प्रथम बार आगमन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला, जहां विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करते ही करजहां मोतीराम अड्डा में कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाध्यक्ष का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इसी कड़ी में फुटवाहा इनार में मुन्नीलाल यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों के हुजूम के साथ जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान काफिला चौरी चौरा की पूर्व विधायक शारदा देवी के आवास पर पहुंचा, जहां पर बैठक कर चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के आए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष का आपसी परिचय का कार्यक्रम हुआ। समाजवादी पार्टी के मजबूती प्रदान करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहले हम लोगों को बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुन्नीलाल यादव, अब्रीस यादव, ग्राम प्रधान छगाहा राम बेलाश यादव, विधानसभा अध्यक्ष चौरी चौरा नरसिंह यादव, मार्कंड यादव समेत समस्त समाजवादी पार्टी के सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वंदे भारत के लिए चौरी चौरा से राम सिंह गौतम की। सत्ता में लाना चाहते हैं आप, दलित समाज से हैं और अखिलेश जी मायावती के प्रति बताते हैं कि मायावती जी जहां भी अपने उम्मीदवार को तय करती हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करते हैं, और आप बसपा में एक कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर चुके हैं, आपकी क्या राय है? हेलो, देखिए लखनऊ जाने के लिए आपको जो ये समाज ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का जो सुंदर संविधान है उस संविधान को खतरा है, उस संविधान को कमज़ोर कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है, लोक संविधान में जो लोग जो अधिकार मिला है दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, वंचितों को, कमज़ोर को, असहाय को, वो अधिकार कम किया जा रहा है, आरक्षण एकदम निष्प्रभावी बना दिया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। इस नाते जो भारतीय जनता पार्टी को जो रोक सकता है, जनता ये मान रही है कि आज के तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई रोक सकता है तो सिर्फ श्री अखिलेश यादव, माननीय श्री अखिलेश यादव रोक सकते हैं। इस नाते अपने आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को, ये मेरे साथियों आपका भी उद्देश्य है संविधान को बचाना, समाजवादी पार्टी का भी उद्देश्य संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना। इस नाते आपसे आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, आइए सभी लोग मिल करके पहले भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर लें, फिर हम लोग आपस में समझ लिया जाएगा। इस नाते मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, सभी लोग साथ दें। आगे आगे चलिए, समाजवादी पार्टी के सहयोग आगे चलते रहिए, आगे चलते रहिए, लाइन से लाइन से लाइन से हम नारा लगा लो, उस रेस में हम आदरणीय बहन जी के प्रति नहीं करते हैं, वहाँ तो पैदल चलेंगे। मेरी पहचान बहुजन समाज पार्टी ने दी है। मैं बहन जी को मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर ये जरूर है कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सक्षम है, वही लड़ेंगे, कांति राम जी का कारवा को ही मजबूत करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को ही साकार करेंगे, और सर्वजन सिखाए के तहत सबका सम्मान अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव दे सकते हैं। यही सब बातों के साथ गोरखपुर के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष माननीय ब्रजेश कुमार गौतम जी का चौरी चौरा के ऐतिहासिक सरजमी पर प्रथम आगमन पर स्वागत कार्यक्रम रहा है, और आज जो बैठक और स्वागत कार्यक्रम के साथ हुआ है इसमें संगठन पर चर्चा और नगर पंचायत के चुनाव पर चर्चा हुई है, और जो उत्साह दिखाई दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले से, जो एक नई है ब्रजेश कुमार गौतम जी के मनोनयन पर, उससे ये साबित होता है कि 2024 में हम लोकसभा बांसगांव जीतने का काम करेंगे। क्या यह माना जाए कि दलित समाज से जिलाध्यक्ष बनाया गया है 2024 की तैयारी को देखते हुए बनाया गया है? देखिए, समाज को एकजुट करने का प्रयास है, क्योंकि मीडिया के साथी है कहने में कहीं गुरेज नहीं होगा, बार बार हमारी पार्टी पे एक आरोप लगाया जाता था कि यादव मुसलमान की पार्टी है, हालांकि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमेशा सर्व समाज की बात किए हैं, दलित तब भी रहे हैं, लेकिन जो स्थितियाँ आई हैं ये जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ब्रजेश गौतम जी, जमीन से जुड़े गरीब परिवार से, संगठन
बखूबी इन्होंने चलाया भी है और इनके आने से निश्चित तौर पर एक अच्छा पहल किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद और रिजल्ट दिखाई देगा इस नाते कि आप देखे होंगे कि 2022 का जो रिजल्ट आया बहुत कम वोटों से हम पराजित हुए। 3.5 लाख वोट अगर मिल गए होते तो निश्चित तौर पर आज समाजवादी पार्टी सरकार में होती। ब्रजेश कुमार गौतम के आने से गोरखपुर में बड़े वोटों का इजाफा होगा और बड़े वोटों के इजाफा के साथ साथ हम लोकसभा बांसगांव से लेकर के अन्य लोकसभा पर भी इसका असर पड़ेगा और निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगी। चौरी चौरा की ऐतिहासिक भूमि जो क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है, आज गोरखपुर के नवागत जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश कुमार गौतम जी का भव्य स्वागत हम लोगों ने किया है, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किया है। 0 पॉइंट हम लोग रामनगर कड़िया से उनके स्वागत समारोह में हम लोग शिरकत किए, वहाँ से हम लोग भव्य स्वागत करते हुए यहाँ पर चौरी चौरा तहसील के प्रांगण के बगल में पूर्व विधायिका शारदा देवी के आवास पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित उन्होंने किया है। और इससे यह माननीय जिलाध्यक्ष जी का जो यह स्वागत है कि यह संदेश पूरे जिले ने पूरे प्रदेश में गया है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी के ऊपर एक जाति विशेष का जो नारा विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगाने का कार्य करती है, ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने एक दलित समाज के बेटे को गोरखपुर का जिलाध्यक्ष बनाकर यह संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सभी जात धर्म के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है और इसी उद्देश्य से हम लोग 2024 में भारतीय जनता पार्टी की स्थानांतर सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। निकाय चुनाव और 2024 का चुनाव करीब है, ऐसे में दलित समाज से जिलाध्यक्ष बनाने के बाद क्या माना जाए कि दलित समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दलित समाज के बेटे को जिलाध्यक्ष बनाकर भेजने का कार्य किया है, यह पूरे दलित समाज में एक अच्छा संदेश भी जा रहा है कि जहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान सुश्री मायावती जी जिस तरीके से शांत हैं और खामोश हैं, यह कहीं ना कहीं संदेश है कि वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेलने का कार्य कर रही हैं और दलित समाज जो एक समाज है जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक वंशज कहा जाता है और जिस तरीके से बाबा साहब ने इस देश को एक नई दिशा संविधान लिख के दिया है, उन वंशज उन दलित समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम जी जिस तरीके से वोटों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, यह संदेश है कि निकाय चुनाव में एक अच्छा संदेश जाएगा और दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी में तब्दील होगा। आपका परिचय? मेरा नाम अम्बरीश यादव है, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा 3/4।